हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज के बारे में। इन्वेंट्री होती क्या है और ये किस तरीके से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे और उनके कन्फ्यूजन भी होते हैं जब इन्वेंट्री आती है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट सेशन, तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि हाउ टू रीड इट, डेटा को किस तरह से रीड करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो US का एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीकली बेसिस पे एवरी वीक एक डेटा रिलीज करता है, चाहे वो क्रूड ऑयल के लिए हो या नेचुरल गैस के लिए हो। तो पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज की। तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री होती क्या है, US में जितने भी US फर्म्स हैं उनके पास टोटल नंबर्स ऑफ जो कॉमर्शियल क्रूड ऑयल उनके स्टोरेज में रखा हुआ है इन बैरल्स, बैरल्स क्रूड ऑयल की यूनिट है। तो वो जो डेटा है वीकली बेसिस पे अपडेट होता है और वो हमें बताया जाता है थ्रू जो US का एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू। नाउ ये जो डेटा है एवरी वीक रिलीज होता है, इसमें मेनली हमारे पास तीन मेन फैक्टर्स रहते हैं, विच इज एक एक्चुअल डेटा कितना आएगा जो रिलीज होता है, और एक फोरकास्ट कितना किया गया और प्रीवियसली डेटा कितना आया था। तो हम इसको रीड कैसे करते हैं इस डेटा को, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं लास्ट सेप्टेम्बर 13 को जो लास्ट वीक का हमारा डेटा था वो रिलीज हुआ था। तो जो डेटा था फोरकास्ट वो -1.912 था हमारे पास, इतना फोरकास्ट किया गया था कि इतना आ सकता है। एक्चुअल में जो डेटा आया था वो है 3.954, विच इज़ ग्रेटर देन जितना हमने फोरकास्ट किया था। तो जो डेटा अगर जितना हमने फोरकास्ट किया उसके कंपैरिजन में ज़्यादा आता है सो इट इज़ नेगेटिव फॉर क्रूड ऑयल प्राइस। ये क्रूड ऑयल के प्राइस के लिए नेगेटिव होता है, मीन्स क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन जाना चाहिए। एंड सिमिलरली जैसे हम सेप्टेम्बर 7 का ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर आप फोरकास्ट देखोगे तो -2.064 का था एंड एक्चुअल में जो डेटा आया था वो -6.307 आया था, मींस जितना हमने फोरकास्ट किया था उससे भी कम आया था। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो कंफ्यूज मत करना, तो जितना डेटा था उससे भी कम आया था। तो जो डेटा एक्चुअल में आया है वो हमारे फोरकास्ट के डेटा से अगर कम होता है तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर क्रूड ऑयल प्राइस, ये क्रूड ऑयल के प्राइस के लिए पॉजिटिव होता है। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ये डेटा है मैन्युपुलेट भी हो सकता है या फिर और फैक्टर भी उसमें काम कर सकते हैं या और फैक्टर भी फैक्टर इन हो सकते हैं। तो जब भी आप डेटा को रीड करो उसके बेसिस पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, वो डेटा अगर मैन्युपुलेट हुआ सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मार्केट उसी डायरेक्शन पर मूव करेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बेसिस पे बायस नहीं होना है, इट इज़ जस्ट अ डेटा जिसके बेसिस पर आप एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि मार्केट का मोमेंटम क्या रह सकता है। नाउ सिमिलरली अगर हम बात करें, ये तो बात थी क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री का डेटा है उसको हम कैसे रीड करते हैं। सिमिलरली अगर हम नेचुरल गैस की डेटा को देखें तो नेचुरल गैस की जो स्टोरेज है वो भी रिलीज होती है एवरी वीक, जो US का एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिलीज करता है। तो इसको भी हम कैसे रीड करते हैं, यहाँ पर भी सिंपल सा है। यहाँ पर भी हमारे पास डेटा रहते हैं, एक हमारा फोरकास्ट का डेटा कि कितना डेटा आ सकता है, और एक एक्चुअल में ड्यूरिंग लाइव मार्केट हमें देखने के लिए मिलता है कि डेटा कितना आया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम लास्ट वीक का डेटा देख रहे हैं सितंबर 14 का। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, जो एक्चुअल में डेटा आया था 57 था जो, और जो फोरकास्ट किया गया था विच इज़ 48, तो जो फोरकास्ट था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा डेटा आया था। तो इट इज़, जब भी डेटा जितना हमने फोरकास्ट किया उससे ज़्यादा आता है तो इट इज़ नेगेटिव फॉर नेचुरल गैस प्राइस, नेचुरल गैस की प्राइस को फॉल करना चाहिए। सिमिलरली अगर उससे एक लास्ट वीक का देखोगे सितंबर 2023 को जो डेटा रिलीज हुआ था वहाँ पर हमारा फोरकास्ट 43 का था और एक्चुअल में जो डेटा आया था 33 आया था, मींस जितना हमने फोरकास्ट किया उसके कंपैरिजन में एक्चुअल का डेटा कम आया है। तो जब डेटा जितना हमने फोरकास्ट किया है उससे कम आता है तो इट इज़ पॉजिटिव फॉर नेचुरल गैस प्राइस एज वेल। बट अगेन एज आई सेड अर्लियर, ये डेटा है मैन्युपुलेट हो सकता है या फिर और भी फैक्टर्स हैं उसमें वो भी इंक्लूड कभी कभी हो जाते हैं, तो प्राइस इस डेटा के बेसिस पे जरूरी नहीं है हर हमेशा मूव करेगा। तो आपको बायस नहीं होना है जब भी ड्यूरिंग द लाइव मार्केट ये डेटा रिलीज होता है, नेचुरल गैस की स्टोरेज को हम कहते हैं। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री होती है उसको आप रीड कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा, इसका नाम है tradex.live। tradex.live पर आप NSE फ्यूचर्स, ऑप्शन, MCX, कॉमेक्स, SGX निफ्टी और इंटरनेशनल जो इंडाइसेस हैं उसके अलावा US मार्केट के जो स्टॉक्स हैं उनको आप ट्रेड कर सकते हैं इंडिया से ही। यहाँ पर अकाउंट ओपन करना बड़ा ही आसान है, आप डायरेक्टली अकाउंट अपना ओपन कर पाएंगे।
एंड इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर फीचर्स की, तो जीरो ब्रोकरेज है, 24/7 आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको अप टू 500 टाइम्स तक का मार्जिन मिल जाता है। ये इंट्राडे का मार्जिन है। अगर आप इस मार्जिन को, मीन्स जो भी आपकी पोजिशन है उसे ओवरनाइट होल्ड करते हो, तो वहाँ पर अप टू 100x तक का आपको मार्जिन देखने के लिए मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन मिनिमल है फॉर ओपनिंग द अकाउंट। इसके अलावा एज आई सेड अर्लियर, आप इंडियन मार्केट, इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में भी ट्रेड बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, इनका जो ऐप है आप उसका यूज़ कर सकते हो, प्ले स्टोर के थ्रू, एप्पल स्टोर के थ्रू, या फिर आप चाहें तो इनके जो वेबसाइट है tradex.live, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फीचर्स की अगर बात करें, यहाँ पर आपको एक डेमो अकाउंट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है तो आप पहले डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ से लर्न कर सकते हैं, देन आप अपना लाइव अकाउंट ओपन करके लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं, वो ही बड़ा आसान है। इसके अलावा अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स देखने हैं, CFD में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स कौन कौन से ट्रेड कर सकते हो, कॉमोडिटीज, इंडेक्सेस, वो भी आप यहां से देख पाओगे। इसके अलावा अगर आपको लर्न करना है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, कॉमोडिटी हो, मार्जिन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नॉलेज सेंटर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं tradex.live के साथ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरीके से आप, चाहे वो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री हो या फिर नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, इसको रीड कर सकते हो। जो डेटा लाइव मार्केट में आता है इन्वेंट्री का, उसको किस तरह से रीड करके उसके बेसिस पे आप क्या व्यू अपना रख सकते हो। रिमेंबर एज आई सेड अर्लियर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा मैनिपुलेट हो सकता है। जो डेटा आया है मार्केट कभी कभी उसके अगेंस्ट भी मूव करता है, तो सिर्फ और सिर्फ डेटा के बेसिस पे ट्रेड मत लेना, एनालिसिस करना। एनालिसिस के बाद अगर आपका एनालिसिस डेटा के साथ मैच करता है, देन यू कैन टेक द ट्रेड। अदरवाइज फॉलो द डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, विच इज़ द परफेक्ट फॉर ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड सब्सक्राइब द चैनल।